राजेश बहुगुणा है और मैं ऋषिकेश से आया हूँ, और ऋषिकेश से आया ही नहीं हूँ, मैं रहता ही उधर। और यहाँ आने का एक संयोग हुआ, पिछले दो चार दिन पहले गिरीश भाई से मुलाकात हुई। वैसे तो हम एक दूसरे को जानते ही हैं, तो मैंने कहा चलिए, मुझे आज घर भी जाना है, तो मैंने कहा इधर से ही जाना है, तो लगे हाथ इधर से आप लोगों से मुलाकात करते हुए चलें। तो मैं 2004 से एक ऑर्गेनाइजेशन है मसूरी का, नाम आपने सुना होगा। तो मसूरी में अब तो वो नई ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं एक्टिव है, उस समय वो काफ़ी एक्टिव थी, उसका नाम था सिद्ध, लंबा चौड़ा नाम था, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड इस तरह से करके। तो मैं 2004 से वहाँ जुड़ा, वो बेसिकली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जो एजुकेशन पे रिसर्च का काम करता था। और उसी दौरान जीवन विद्या को सिद्ध ने एक तरीके से, सिद्ध ने पूरी तरह से जीवन विद्या को स्वीकार किया था, और सिद्ध एक तरीके से जीवन विद्या का एक बड़ा सेंटर डेवलप हुआ उस दौरान। तो और चूंकि हम लोग एक स्कूल भी चलाते थे, गांव में भी कुछ स्कूल चलाते थे, तो स्कूल में कैसे काम करना है, इन सब चीज़ों पे 2004 से मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं 2004 से शिक्षा के काम से जुड़ा हुआ हूँ। और इतना हम सब देखते ही हैं या स्वीकार करते ही हैं कि कम से कम एक आम धारणा ये बनी हुई है कि एजुकेशन से सबको वो संतुष्टि नहीं मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए थी। हालांकि हम में से हर कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लगातार आगे ही पढ़ा रहा है, हम अपने अपने हिसाब से बढ़िया स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, और बच्चे रिजल्ट भी लाते ही हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे अपना जो भी उनका एग्जामिनेशन होता है, आईआईटी में भी बच्चे जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एक ऐसी चीज़ है जो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तो किसी को लगता है कि संस्कार मिसिंग है, किसी को लगता है कि अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, किसी को लगता है कि एनवायरनमेंट की कोई समझ नहीं जा रही है, पर कुल मिला के ऐसा दिख रहा है कि कोई एक चीज़ है जो मिसिंग है। तो आज चूंकि अपने पास समय उतना नहीं है, और मुझे लगता है आप लोग जीवन विद्या से तो परिचित हैं ही सभी लोग, तो हम थोड़ा सा अपनी बात मैं आज रखता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो फिर विस्तार से रखेंगे। तो हम सब लोग शिक्षा में काम करने वाले लोग हैं, है ना? और शिक्षा को अगर देखेंगे तो शिक्षा की जरूरत किसको है? सभी ह्यूमंस को जरूरत है ना, ठीक है? और ह्यूमंस के अलावा और क्या क्या इस प्रकृति में शामिल है, है ना? प्राणी जगत, है ना? ऐसा तो अभी हम थोड़ा सा ऐसा देखते हैं कि शिक्षा का अगर मानव को जरूरत है, तो मोटे तौर पे देखेंगे कि मानव की दो तरह की जरूरतें हमको मोटे तौर पे दिखती हैं। एक वो जरूरत है जो नेचुरल है, जैसे पानी की जरूरत हमको है, है ना? सांस के लिए हमको हवा की जरूरत है, भोजन की कोई जरूरत है हमको, तो कुछ ऐसी जरूरतें हैं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो बहुत नेचुरल है। आप किसी भी देश काल में होंगे, ये जरूरतें आपकी हमेशा ही बनी रहेंगी, तो इनको हम बोलेंगे नेचुरल नीड्स हमारी हैं। कुछ जरूरतें हमारी ऐसी हैं जो सरकमस्टेंशियल होती हैं, परिस्थिति जन्य होती हैं, है ना? जैसे आप उत्तराखंड में जाएंगे इस समय, तो शायद आपको स्वेटर की जरूरत पड़ेगी, गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। आप गुजरात में रहते हैं, गर्म जगह में रहते हैं, तो एसी की जरूरत पड़ सकती है। तो बहुत सारी जरूरतें हमारी परिस्थितियों की वजह से पैदा होती हैं।
ठीक हो गया। तो अपन को थोड़ा ये चेक करना है कि शिक्षा की जो जरूरत अपने को महसूस होती है, ये कोई नेचुरल नीड है या ये ठीक है भाई आजकल सभी स्कूल जा रहे हैं तो भाई ठीक है, ये कोई सरकमस्टेंशियल नीड है या ये कोई नेचुरल नीड है, तो इसको अपन थोड़ा देखते हैं। तो देखने के लिए क्या करना होगा, मानव को समझना होगा, है ना। और मानव को समझना है तो मानव अपने आप में कोई अकेली चीज है या वो किसी सिस्टम का हिस्सा है, वो किसी सिस्टम का हिस्सा है। तो किसी एक चीज को समझने के लिए उस सिस्टम को समझना होता है ना, तभी हम उस एक चीज को भी ठीक से समझ पाते हैं। तो कुछ चीजें आप सुने ही होंगे इसलिए आपके साथ मुझे थोड़ा आसानी रहेगी। तो जैसे इतना हम सब ने हमारे पास सब सूचना है कि पूरे पूरी सृष्टि जो है वो चार भागों में है, ये ठीक हो गया। तो पदार्थ की जगह पर देखेंगे तो वहां ऐसा नहीं दिखाई देता कि शिक्षा की कोई जरूरत है ना। तो एक लोहे के परमाणु को लोही की तरह रहना है, एक सोने के परमाणु को सोने की तरह रहना है, इसके लिए उसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तो शिक्षा की जरूरत यहां नहीं दिखाई देती। ऐसी पेड़ पौधों की दुनिया में भी देखेंगे तो एक आम के बीज को कोई नहीं सिखाता कि आम जैसा होना है ना। एक नीम के बीज को कोई नहीं सिखाता कि एक नीम जैसा हो जाना है, ये ठीक हो गया। सीखना शुरू होता है थोड़ा बहुत यहां से, क्या सीखना शुरू होता है, जैसे शेर का बच्चा शिकार करना सीखता है ना। अगर शेर के बच्चे को शेर से अलग कर दिया जाए तो वो शिकार नहीं कर पाएगा, है ना। एक जानवर को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग कर देंगे तो वो बहुत सारी चीजें नहीं सीखेगा। तो चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखते हैं, शेर के बच्चे शिकार करना सीखते हैं, जो शाकाहारी जानवर हैं उनके बच्चे जो हैं घास को पहचानना सीखते हैं, शिकारी से बचना सीखते हैं। अगर ये नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। और बेसिकली वो सीखते हैं तो क्या सीखते हैं, बेसिकली वो स्किल सीखते हैं। स्किल सीखते हैं क्योंकि उनको जिंदा रहना है। जिंदा रहना है का मतलब क्या है, खाने की ठीक है सुरक्षा हो जाए, थोड़ा आराम हो जाए और थोड़ा प्रजनन हो जाए, इतना ही है। तो जीव जगत में जो भी कुछ सीखना है वो इन चार चीजों के बारे में ही सीखना है, और ये सारी चीजें स्किल के लेवल पे आती है ना। तो स्किल नहीं होगा तो जिंदा रहना, लेकिन ये ठीक, ये सीखते जरूर हैं लेकिन कोई एजुकेशन सिस्टम वहां नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं है कि जंगल में कोई स्कूल हो जहां शेर के सारे बच्चे शिकार करने सीखने जा रहे हैं, है ना। वो बाय डिफॉल्ट अपने माता पिता से सीख लेते हैं। तो जिंदा तो मानव को भी रहना है, इसलिए मानव भी कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। क्या सीखता है, वो कुछ स्किल सीखता है ना। तो हमने रोटी बनाना, कपड़े बनाना, खेती करना, ये सब किसी स्कूल में जाकर नहीं सीखा, है ना। पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग अपने माँ बाप से वो सब सीखते आए हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो फिर सवाल ये उठता है कि जब डिजाइन वही है सीखने का, सब अपने माँ बाप से सीख ही रहे थे, तो फिर मानव को शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, जिंदा तो वो रह ही लेता, है ना। ऐसा अगर इतिहास के लोग ये बताते हैं कि लगभग 12 से 13 15 हजार साल पहले कुछ उसने आग और पहिया मानव ने खोजा, और वो ये भी बताते हैं कि धरती पे मानव को आए हुए एटलीस्ट 5 से 8 लाख साल 10 लाख साल हो गए,
और अगर 5 लाख साल भी माने और 20 हजार साल पहले भी उसने पहिया खोजा, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 लाख 80 हजार साल तो जिंदा रहा ही और स्किल तो सीखा ही होगा, है ना। तो फिर एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, किसी भी धरती के किसी भी समुदाय में आप जाएंगे, कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम आपको दिखाई देगा, है ना। आप यूनान में जाएंगे तो आपको आपको सुकरात, प्लेटो, प्लेटो की तो बकायदा एकेडमी थी अपनी, अपने यहाँ भी कुछ 1000 साल पुराने तक्षशिला, नालंदा और उससे भी पहले के गुरुकुलों की कहानी सुनते ही हैं। यूरोप में भी जाएंगे तो बहुत पुराने स्कूल्स, स्कूल तो शब्द ही उधर से आया है। तो सवाल यह है कि मानव को एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? किस चीज में बेहतर? रहना तो जिंदा ही है और जिंदा इन 4 जगह ही है, मानव का भी जिंदा रहना इन 4 जगह ही है, कोई 5वीं जगह दिखाई देती है? हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ जिंदा रहने की जगह है, अपने पास भी 4 ही जगह है ना। हम अपने भोजन के लिए कुछ करते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ करते हैं, ये मकान बनाना और ये सब कुछ सिक्योरिटी का हिस्सा है, ये आराम, ये कपड़े, ये एसी, ये मोबाइल, ये गाड़ी, ये सब उसका हिस्सा है ना। और प्रजनन के लिए अपने ने एक विवाह की संस्था बनाई है, परिवार का सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें, पर फाइनली इससे सबसे जिंदा ही रह रहा है ना। तो फिर इसमें और बेहतर क्या? और अगर बेहतर होने के लिए एजुकेशन सिस्टम था, तो आज आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं या पहले कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बीमार होते थे? हॉस्पिटल्स जाने वाले लोगों की संख्या में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है कि कम है? तो इसका मतलब भोजन में तो हम बेहतर नहीं हुए। कुछ लोगों का मानना क्या मतलब है, आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन में जाएंगे तो खाना लगातार डिग्रेड हो रहा है हमारा। सिक्योरिटी में हम कितना बेहतर हो पाएंगे, परमाणु बम बना के देख लिया, लेकिन सिक्योरिटी ना तो अंदर से अंदर तो फील नहीं हो रही है, बाहर भी नहीं आ रही है, खतरा बना हुआ ही है ना। ठीक है, कंफर्ट, कंफर्ट में हम कितना बेहतर हो रहे हैं? अभी अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंफर्ट की वजह से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, है ना, क्योंकि बॉडी का चलना ही बंद हो गया है। और बहुत मुश्किल से हमारे लोगों ने विवाह नाम की कोई संस्था बनाई थी, परिवार नाम के कुछ कुछ सिस्टम बनाए थे, कुछ कस्टम बनाए थे, अभी तो वो सब गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जैसा हमारी पुरानी पीढ़ी को विवाह संस्था पे यकीन था, उससे थोड़ा कम हमारी पीढ़ी को हुआ, उस अगली पीढ़ी के लिए शायद और भी मुश्किल हो जाएगा, है ना। और ऐसी खबरें रोज सुनने को मिलती हैं, इसीलिए नई पीढ़ियां नए नए प्रयोगों में जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मानव को जिंदा रहना जो है, जैसे पशु जिंदा रहने का, जैसे एक पशु का जिंदा रहना सेट हो जाए तो पशु क्या करता है? पशु क्या करता है? हाँ, पर करता क्या है? एक शेर ने शिकार कर लिया और उसने शिकार खा लिया, और उसके बाद उसके दल में जो भी शेरनियाँ हैं उसको वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर वो क्या करता है? वो चैन से बैठ जाता है ना। ऐसा नहीं है कि अब उसने जो है 15-20 हिरन मार के कहीं इकट्ठा कर लिए या कोई तालाब पे कब्जा कर लिया कि नहीं यहाँ तो सिर्फ मेरे बच्चे पानी पियेंगे, ठीक है, या खाने पीने के बाद वो ये सोचने बैठ गया कि ये दुनिया किसने बनाई, वो ऐसा कुछ नहीं करता। तो एक पशु तब रुक जाता है जब उसका जिंदा रहना क्या हो जाता है? कन्फर्म हो जाता है। और एक मानव शुरू ही तब होता है जब उसका जिंदा रहना सेट होता है। ये मानव में और पशु में बेसिक डिफरेंस है। एक मानव मानव की तरह कब रहना शुरू करेगा? जब उसका इन 4 चीजों पे कम से कम कोई खतरा ना हो,
है ना। ठीक, अभी अगर हमको सूचना, जितने आराम से आप और हम अभी बात कर रहे हैं, और अभी सूचना मिल जाए कि बाहर दो चार कोई बंदूकधारी आ गए हैं, तो क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगी। जान बचाने के लिए हम वो सब करेंगे। तो एक मानव शुरू तब होता है, इसका मतलब ये है कि एक पशु के लिए जिंदा रहना मैक्सिमम है और एक मानव के लिए जिंदा रहना मिनिमम है। लेकिन इसको हिंदी में ऐसा बोलते हैं, हिंदी तो कंफर्ट है आप लोग। हाँ, वैसे मैं ना भी होंगे तो मैं गुजराती नहीं जानता तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिनिमम का मतलब ये है कि एक पशु जब जिंदा रहने सेट हो जाता है, एक आदमी मानव जो है उसके लिए मिनिमम इतना जरूरी है कि उसका आहार व प्रजनन की व्यवस्था ठीक से हो जाए, और पूर्वजों ने इस बात को पहचाना और इसके लिए व्यवस्थाएं की कि सबको भोजन मिल सके। ये जो आज हम कबीला से लेकर और राष्ट्र तक पहुंच गए हैं, है ना, और आज भी जो है अपन को 5 किलो अनाज मुफ्त दे ही रहे हैं सरकार, ये सब सिस्टम इसलिए बनाया कि सबको मिल सके। क्यों मिल सके? ताकि वो इससे आगे निकल सके, है ना। तो ये उसके लिए मिनिमम है। तो हिंदी में बोलते हैं कि पशु के लिए जिंदा रहना जरूरी भी है और पर्याप्त भी है, और मानव के लिए जिंदा रहना जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो मानव और क्या चाहता है? तो बेसिकली मानव को बोला वो कैसे जीना चाहता है, वो सुखी होकर जीना चाहता है। सुखी होने में जिंदा रहना शामिल ही है, लेकिन पशु का जिंदा रहना पर्याप्त है, और मनुष्य जिंदा रह करके कैसा होना चाहता है? सुखी होना चाहता है। तो पशुओं के जो सारी एक्टिविटी है वो केवल जिंदा रहने के लिए है, और मानव की सारी एक्टिविटी केवल सुखी होने के लिए। इसलिए एक पशु जब भोजन करता है तो पेट भरने के लिए करता है। हम जब भोजन करते हैं तो पेट भरने के लिए करते हैं? उससे ज्यादा क्या भरना चाहते हैं? मन भरना चाहते हैं। हम अधिकांश समय मन भरने के लिए खाना खाते हैं, इसीलिए पशुओं के आहार का सिस्टम नहीं बदला। लेकिन मानव जो है कहां से कहां उसने अपने आहार को पहुंचाया है, एक लंबी यात्रा है ना, और इतनी डिटेल यात्रा है। ठीक, अपने कंफर्ट को उसने कहां से कहां पहुंचाया है। ये क्यों पहुंचाया है? क्योंकि वो जो भी कुछ अपनी सिक्योरिटी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है वो उससे सुखी होने का कोशिश करता है। पशु के पास जो मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, वो फिक्स है, क्योंकि उसको केवल जिंदा रहना है। आदमी को जिंदा ही नहीं रहना है ना। उसको अपने मन में ये आश्वस्त होना है कि मेरी अगली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे, ये उसके सुख का एक आधार है। तो जैसे जिंदा रहने के लिए स्किल की जरूरत है, ऐसे सुखी होने के लिए समझ जरूरी है। अच्छा आहार, मान ले अभी हम आहार की बात करें, अब हम आहार खा के सुखी होना चाहते हैं, ठीक है। अगर जिंदा रहना है तो उसमें समझना क्या है? जो सामने मिला वो खाएंगे, जैसे पशु खाता है, जो उसके हैबिट में है, जो उसको बाई डिफॉल्ट वो करता है वो खाता है। अब अगर आदमी को आहार से खुश होना है तो आहार को समझना पड़ेगा, है ना, उसके स्वाद के सिस्टम को समझना पड़ेगा, और उसने समझा भी है। तो इसलिए, और समझना है तो फिर क्या, समझना का क्या, समझना कैसे होगा? शिक्षा पूर्वक होगा। तो जब भी आदमी ने यह पाया कि सामने वाला मुझसे ज्यादा सुखी है, वो उसके पास समझने के लिए गया। यहीं से भारत मानव जाति में शिक्षा की शुरुआत होती है। अपने से ज्यादा सुखी आदमी के पास ही अपन समझने जाते हैं, जिसको हम अपने से दुखी मानते हैं उसके पास क्यों समझने जाएंगे, है ना। तो क्या समझ में आया? शिक्षा मानव की नेचुरल नीड है।
ये ठीक हो गया। अब हम एक दूसरा सिस्टम समझते हैं। एक्टिविटी चारों जगह हो रही है ना, एक्टिविटी चारों जगह हो रही है, तो एक पदार्थ में एटम लेवल पे एक्टिविटी होती है, तो एटम में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो क्यों हो रही है? वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का जो उनके परमाणु अंश है उनका लेन देन करते हैं ना, वो कुछ बॉन्ड बनाते हैं, कुछ करते हैं, पर फाइनली वो उस ऐसा करने का पर्पज क्या है? परमाणु ऐसा करके जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो बेसिकली परमाणु में होता क्या है? स्टेबिलिटी आती है। तो सारे परमाणु में अगर आप देखेंगे तो जो भी क्रिया हो रही है वो स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। तो जो जो सब में हो रहा है उसको अपन नेचुरल मानते हैं ना, क्योंकि वो सब में है, यूनिवर्सल है। तो इसकी नेचुरल नीड स्थिरता है, और उसकी नेचुरल नीड स्थिरता है इसलिए उसकी उस नीड का पूरा होने के लिए सिस्टम मौजूद है कि नहीं है? जब तक आदमी अगर हस्तक्षेप नहीं करे तो हर परमाणु के स्टेबल होने का सिस्टम नेचर में मौजूद है, पूरी व्यवस्था है। पेड़ पौधों में जाएंगे तो एक बीज को कहीं भी डालिए, उसको जरा सा मौका मिलता है वो तुरंत अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है ना? आपने दीवारों में भी देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक बीज में या एक पौधे में जो सारी एक्टिविटी हो रही है, सारी क्रियाएं हो रही है, वो किस लिए हो रही है? ग्रोथ के लिए हो रही है, और ये ग्रोथ उसकी नेचुरल नीड है ना? तो विकास उसकी नेचुरल नीड है। और अगर आप अपने आसपास के नेचर को देखेंगे तो इस धरती पे एक बीज पौधा बन जाए इसके लिए पूरा सिस्टम मौजूद है, जब तक आदमी हस्तक्षेप नहीं करे, है ना? तो एक बीज पौधा बन सके ये पूरा सिस्टम, एक कंप्लीट सिस्टम मौजूद है। एक जीव जिंदा रहना चाहता है तो उसके जिंदा रहने का भी सिस्टम मौजूद है कि नहीं है? है ना, बहुत बढ़िया सिस्टम है। एक उदाहरण देखते हैं, हाथी कितना बड़ा जानवर है ना, और अकेला भी नहीं रहता, झुंड में रहता है, बहुत सारे हाथी एक साथ रहते हैं। और एक हाथी जब चलता है तो कितनी बड़ी रोड बना के चलता होगा, और जब एक हाथी खाता है तो कितना खाता होगा? तो एक हाथी जब उसका शरीर ऐसा है कि वो जब चलेगा तो कितने ही पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जब वो खाएगा तो कितने ही पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, और हाथी एक भी पेड़ लगा नहीं सकता, इसके बावजूद धरती से हाथी जंगल खत्म नहीं हुए। करोड़ों करोड़ हाथी इस धरती पे हैं, जंगल किसने खत्म किए? जो अगर एक पेड़ काट सकता है तो हजार लगा भी सकता है, ठीक है, थोड़ा सा खाता है, थोड़ी सी जगह पे चलता है, लेकिन इसने जो है, तो हाथी जैसे जानवर के जिंदा रहने की भी पूरी व्यवस्था धरती पे मौजूद है। ये बात पकड़ में आ रही है? तो देखिए नेचुरल नीड क्या है, परमाणु की नेचुरल नीड है स्टेबिलिटी। पेड़ प्राण अवस्था में जाएंगे तो पेड़ पौधों की नेचुरल नीड है ग्रोथ, जानवरों की नेचुरल नीड है जिंदा रहना, और मानव की नेचुरल नीड है सुखी होना। नेचुरल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस धरती पे सभी मानव सुखी होना चाहते हैं। तो अगर तीन चीजों की नेचुरल नीड पूरा होने का सिस्टम मौजूद है तो क्या मानव के सुखी होने का कोई नेचुरल सिस्टम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये नेचर अपने आप में कंप्लीट दिखाई देती है, इनकम्प्लीट तो नहीं है, एकदम परफेक्ट सिस्टम है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक नेचुरल नीड है इस सृष्टि में उसकी पूरा होने का सिस्टम मौजूद है, ठीक। लेकिन मानव सुखी नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है? उस क्योंकि उसके लिए उसको सिस्टम को समझना जरूरी है ना? उसके लिए, क्योंकि उसका डिजाइन ही वैसा बना है
कि वो समझ करके होगा। तो इसलिए शिक्षा क्या है, एक नेचुरल नीड है, तो उसका भी कोई नेचुरल सिस्टम होगा। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे फेज पे अपने पास। अच्छा ये है, आप थोड़ा देखते हैं एक मानव की एजुकेशन का क्या सिस्टम रहा है। तो देखिए, एक मानव जो है, एक मानव जब भी जन्म लेगा तो किसी वातावरण में जन्म लेगा, है ना। तो अभी हम ये थोड़ा देखते हैं कि एक मानव का वातावरण कितना होता है। तो एक देखते हैं मानव का भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक समझते हैं, एक वातावरण है उसका भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण का मतलब है जलवायु, वहां की जमीन कैसी है, वहां के जंगल कैसे हैं। ठीक हो गया, कुल मिला के वातावरण इतना ही है ज्योग्राफिकल। ठीक, तो इस भौगोलिक वातावरण का असर किस चीज पे पड़ता है, जिंदा रहने पे पड़ता ही है। पर मैं जिस वातावरण में पैदा हुआ तो मेरे भौगोलिक वातावरण का असर मुझ पे कहाँ दिखेगा, फिजिकल दिखेगा ना। जिस वातावरण में आप पैदा होते हैं उसका असर आप पे दिखता ही है ना। आप अफ्रीका में पैदा होते तो एक अलग तरह की बॉडी होती, चाइना में पैदा होते तो दूसरी तरह की बॉडी होती। ठीक, दूसरा वातावरण है मानव का सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में क्या क्या शामिल है, तो परिवार हो गया, सॉरी माता पिता हो गए, फिर माता पिता के अलावा बाकी परिवार हो गया, परिवार के बाद आपका समाज हो गया। इसी समाज में अगर आप जाएंगे तो वहां कोई शिक्षा का सिस्टम होगा, कोई शिक्षा व्यवस्था होगी। वहाँ जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई एक राजनीतिक व्यवस्था होगी। वहाँ जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई धार्मिक व्यवस्था भी होगी। वहाँ जाएंगे तो कोई ना कोई मीडिया सिस्टम भी होगा, और वहाँ जाएंगे तो कोई ना कोई बाजार का सिस्टम तो होगा। इतना एक समाज का हिस्सा तो होते ही है ना। ये सब मिला करके क्या बनता है, मेरा सामाजिक वातावरण है। इसका असर कहां पड़ेगा, इसका कुछ असर पड़ेगा मुझ में, नहीं पड़ेगा, कहां पड़ेगा है, थॉट्स पे, है ना। और थॉट्स कहां से पैदा हो रहे हैं, तो थॉट्स किसका हिस्सा है, मेरी बॉडी में किसी पार्ट से निकला हुआ हिस्सा है या मन से निकला हुआ हिस्सा है। तो बेसिकली देखेंगे यहां मेरी मानसिकता तय हो रही है, तो सारी शिक्षा का रिजल्ट एंड रिजल्ट क्या है कि उसकी मानसिकता कैसी है। ठीक है, अब देखिए आज की स्थिति देखते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेस्ट एजुकेशन हासिल करें। एक माता पिता अपने बच्चे की एजुकेशन में क्या योगदान दे रहे हैं, स्कूल में एडमिशन कराया, टाइम पे फीस भर दी, ट्यूशन भेज दिया, पेरेंट्स मीटिंग में चले गए, है ना। और पेरेंट्स मीटिंग में जाकर भी ये शिकायत करते हैं कि ये घर में काम नहीं करता, खाना नहीं खाता टाइम से। पेरेंट्स मीटिंग बहुत मज़ेदार होती है, पेरेंट्स इस बात की शिकायत करते हैं जो काम पेरेंट्स का है, ये खाना नहीं खाता है, ये भाई बहन से झगड़ता है, और टीचर उस बात की शिकायत करता है जो उसका काम है, ये होमवर्क नहीं करता है, ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है। मजेदार बात है। ठीक है, तो परिवार
और परिवार क्या भूमिका निभा रहा है, उनके बच्चे के इतने नंबर आए, उसके बच्चे के एडमिशन वहाँ हो गया, उसने तो IIT कर लिया, तुमको भी वहाँ जाना है ना, वहाँ कोचिंग अच्छी है ना, वो कॉलेज ठीक है, वो बढ़िया वहाँ बढ़िया प्लेसमेंट मिलता है, ये सब मिलकर परिवार वाले ये सब मिलकर मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक, अब समाज में आ जाइए, उधर से शुरू करते हैं, बाजार की शिक्षा व्यवस्था में कोई भूमिका है? और क्या बाजार, चलिए माँ बाप तो कम से कम चाहते हैं कि बच्चा समझदार बने, आपको क्या लगता है बाजार चाहता है? यकीन मानिए, अगर सचमुच समझदार हो गए तो आपका 80% मार्केट ठप हो जाएगा, देश की GDP बैठ जाएगी, क्योंकि बाजार में कम से कम 70 से 80% सामान ऐसा है जिसे खरीदने के लिए ना समझ होना तो जरूरी है, बहुत सिंपल सी कहानी है ना। तो बाजार तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका बच्चा समझदार हो, स्किल्ड हो जाए, क्योंकि उसका काम चलता है, लेकिन समझदार हो जाए ये तो वो बिल्कुल नहीं चाहता है ना। तो बाजार की स्थिति ऐसी है कि वो ऐसा बच्चा चाहता है कि हॉस्पिटल में जो जो भी डॉक्टर लोग हैं या जो स्वास्थ्य की समझ रखते हैं, उनका ये कहना है, और आप लोग भी इस ऑब्जर्वेशन में जा सकते हैं, कि शरीर की बीमारियों की जड़ बेसिकली पेट से शुरू होता है ना। तो अगर आपका डाइजेशन खराब है तो बेसिकली उसके बाद ही बाकी सब चीज़ें शुरू होती हैं मोटे तौर पे। तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, उसकी कैंटीन में वो सब मिलता है जो उस हॉस्पिटल में आने के लिए जिम्मेदार है, और उस खाने को मरीज के साथ वाले भी खा रहे हैं और वो डॉक्टर भी खा रहे हैं जो इलाज कर रहे हैं। तो बाजार को ऐसे लोग चाहिए। ठीक है, मीडिया, मीडिया को भी समझदार लोग नहीं चाहिए है ना, नहीं तो रात की नागिन जैसे समाचार नहीं देखेगा ना, वो क्या आते हैं ना वो काली नागिन वो, और बहुत सारी चीजें, अब तो खैर उस पर कहाँ जाया जाए। ठीक है, जिसको अभी धार्मिक व्यवस्था बोलते हैं, तो धार्मिक व्यवस्था क्या चाहती है वो, क्योंकि जो समझदार होगा वो सवाल पूछेगा, जो शिक्षित, शिक्षा सबसे पहले क्या अगर शिक्षा जिसको बोलेंगे, दुनिया में जितने बड़े शिक्षक हुए हैं जिनको हमने बड़ा शिक्षक माना है, सुकरात, बुद्ध, ये सब लोगों ने सवाल करना सिखाया है, तो एक्चुअल में शिक्षा सवाल करना सिखाती है। लेकिन सारे धार्मिक संस्थान सवाल, उनका कहना है कि जो हम बोल रहे हैं वही, तो उनको फॉलोवर चाहिए है ना, नहीं तो वो सवाल पूछ ही सकते हैं। और जिनको जिन्होंने सवाल पूछा है उनको धार्मिक संस्थाओं ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से ट्रीट किया है ना। राजनीतिक व्यवस्था, इसको लगता है क्योंकि सारी राजनीति वोट से चलती है, ठीक है, और अगर वोटर समझदार हो गया तो वो ये पूछेगा ही कि जब आप चुनाव लड़ने आए थे तब आप बाइक पे थे और 5 साल बाद आप पे स्कॉर्पियो आ गई कि कहाँ से आई, वो तो पूछ ही सकता है ना। तो कम से कम ये जो 4 जगह हैं, ये 4 जगहों को तो आपके बच्चे की कोई परवाह नहीं है। राजनीति को वोटर चाहिए, बाजार को कस्टमर चाहिए, ठीक हो गया, और धार्मिक व्यवस्थाओं को फॉलोअर चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर, ठीक, जो सवाल नहीं पूछे। अब आती है बात विद्यालय व्यवस्था की, अब इसका क्या योगदान है, चाहता तो ये भी है, देखिए वो दो तीन तो वो चाहते ही हैं, वो चार नहीं चाहते, तो बहुमत तो उन्हीं का है। अब स्कूल में देखिए बच्चे, आपके पास सिलेबस है, आपने सिलेबस पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, बच्चे ने उसको अच्छे से जो भी उसे करना था उसने किया, उसने एग्जाम दिया, वो पास हो गया, तो हमको लगता है कि हमने शिक्षा का काम पूरा कर लिया, इतना ही शिक्षा में हो पाता है। और हमारी डिमांड क्या है बच्चे से, वो आपके पास क्योंकि समय नहीं था, नहीं तो मैं वो एक्सरसाइज सबसे करवाता हूँ, मैं सबसे शुरुआत से ही करता हूँ कि आप चाहते क्या हो बच्चे से। तो यहाँ पे कम से कम 50, 25, 30 ऐसी अपेक्षाएं लिखी जाती हैं जो कम से कम
देवता में होनी जरूरी है। और यकीन मानिए, मैं इतने साल से ये काम कर रहा हूं, सब ने ये बोला कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, वो 15 से पहले आता ही नहीं है। जिसके लिए हम 24 घंटे बच्चे की जान खाए हुए हैं, वो किसी की भी माँ बाप, मैं पेरेंटिंग में भी जब जाते हैं, किसी भी की भी अपेक्षा में 15 के बाद ही नंबर आता है। वो मैंने डाटा नहीं रखा, वरना वो 20 से ऊपर ही जाएगा नॉर्मली। हमारी बच्चे से अपेक्षा है वो विवेकवान बने, समझदार बने, सम्मान वाला बने, प्रेम करे, भाई बहनों से प्रेम करे, प्रकृति का ख्याल रखे, पूर्वजों का आदर करे, बहुत सारी चीज़ें अपन उससे चाहते हैं। ठीक है, तो डिमांड जिस चीज़ की हो रही है उसकी उसकी सप्लाई नहीं हुई कभी। हाँ, उसके बावजूद वो बेचारा आपको रोज नमस्ते कर देता है, ये उसकी मानता है। नहीं तो वो बोलेगा कि भैया जो तुमने सिखाया नहीं उससे क्यों डिमांड कर रहे हो, है ना। इसलिए यूरोप वालों को वो सिस्टम ठीक लगता है, वहां गुरुजी का और चेले का संबंध वैसा नहीं है, है ना। तो वहां गुरुजी को इतना ही है कि अपना सब्जेक्ट पढ़ाया, बाकी वो स्कूल में उसके सामने शराब पिए, सिगरेट पिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका बच्चा आपके सामने सिगरेट पिए, आप तो वहीं मर जाओगे, भले आपने नहीं सिखाया, लेकिन आपकी अपेक्षा है। तो हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस अपेक्षा को वो पूरी कैसे करे उसकी कोई प्रक्रिया हमारे पास नहीं है। लेकिन जो जो भी कुछ है फाइनली इस शिक्षा का, तो शिक्षा क्या है, बेसिकली किसी वातावरण का काम है। तो पहला भ्रम ये है कि शिक्षा स्कूल में होती है। स्कूल शिक्षा की प्रणाली का एक छोटा हिस्सा है, ठीक, क्योंकि बाकी जगह शिक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, इसलिए स्कूल पहले से ही कमजोर थे, वो और भी ज्यादा कमजोर हो गए। ये ठीक हो गया। तो फाइनली यहां से मेरी मानसिकता तय होती है, तो एक सामाजिक वातावरण से मुझे क्या क्या मिलता है एक मानव को शिक्षा के रूप में, मानसिकता के रूप में। तो मानसिकता के रूप में देखेंगे तो मैं यहां से कुछ स्किल सीखता हूं। हर कोई अपने वातावरण से कुछ ना कुछ स्किल सीख ही लेते हैं, है ना। तो आप पहाड़ उत्तराखंड आएंगे तो बच्चे ऐसी पहाड़ों पे चढ़ते हुए दिख जाएंगे आपको, जहां आपको लगेगा कि खड़ा होना भी मुश्किल है। ठीक है, अहमदाबाद का बच्चा आराम से, छोटा सा बच्चा कार चला लेगा, है ना, या मोबाइल चला लेगा। समुद्र किनारे में जो रहते हैं उनके बच्चे तैर लेते हैं। तो अपने अपने सामाजिक वातावरण से मुझे कुछ स्किल मिलती है। स्किल भी बेसिकली मन से ही सीखी जाती है ना, शरीर तो केवल एक पार्ट मात्र है। दूसरा देखेंगे तो कुछ समझ मुझे मिलती है। तो क्या समझ मिलती है, जैसे पदार्थ के बारे में हमने काफी कुछ समझा। किसी ने तो लोहे को पहचाना, है ना, किसी ने सोने को पहचाना, किसी ने जो है बहुत सारी चीजों को पहचाना। तो समझ की क्या, देखिए समझ की क्या नियम है, जब लोहे को पहली बार किसी ने पहचाना तो अगली पीढ़ी ने उसको वैसे ही पहचाना कि नहीं पहचाना, गलती नहीं हुई दोबारा। ऐसा नहीं है कि अब हम ना मकान में जो है लोहे की जगह एल्यूमिनियम लगाना शुरू कर दें, या मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो मैं सोना लगाना शुरू कर दूं। सोने का पानी जरूर चढ़ा दूंगा, लेकिन खंबा तो लोहे का ही बनाऊंगा, भले उस पर सोने का पानी चढ़ा दूं। तो क्या मतलब हुआ, एक बार अगर किसी चीज को समझा मानव जाति ने, तो समझ का कहानी यह है कि अगर समझ लिया तो गलती नहीं होगी। तो एक बार समझ लिया तो गलती नहीं हुई। तो कब समझा होगा लोहे को, और कैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी और फिर पूरे समाज में फैला है, तो समझ फैलती है। तो अगर समझा है तो अगली पीढ़ी उसको जरूर करेगी और उससे बेहतरी करेगी। ये समझ का पहला सूत्र है। तो पदार्थ के बारे में हमने बहुत कुछ समझा। आज हमको मकान बनाना है तो हमको सोचना नहीं पड़ता, हमको फिक्स पता है कि लोहा लाना है, सीमेंट लाना है, सरिया लाना है। तो आज जितनी आसानी से हम इसके साथ डील कर लेते हैं, तो ये किसी की तो कृपा है, किसी ने तो समझा है। ठीक है, तो उनकी समझ को भी हम अपना ही समझ मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। हम क्या समझते हैं, हम उसके नियम को समझते हैं, इसलिए हमसे गलती नहीं होती,
इसलिए सोने की जगह पे सोने का यूज करते हैं, लोहे की जगह पे लोहे का यूज करते हैं, तांबे की जगह पे तांबे का यूज करते हैं। ऐसे ही प्राण जगत में जाएंगे तो प्राण जगत में भी बहुत कुछ समझा गया है, नीम को समझा, आम को समझा, और जब समझा तो कैसे समझा, अलग अलग समझा या एक जैसा समझा? नीम को जिसने औषधि के रूप में पहचाना पहली बार, वो समझ आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और फिर गलती नहीं हुई? अगर हम नीम को ठीक से समझते हैं तो जैसा वो नीम का प्रयोग आज से 1000 साल पहले औषधि के रूप में होता था, वैसे ही आज भी हो रहा है ना। हल्दी जैसी चीज को किसी ने पहचाना, जो डायरेक्टली खाने में भी अच्छी नहीं होती, लेकिन आज धरती पे कहीं भी हल्दी का प्रयोग एक जैसा ही होता है खाने में, कोई भी हल्दी को वैसे अपने हिसाब से यूज नहीं करता। तो समझ का नियम ही यह है कि अगर समझा है तो गलती नहीं हुई है, समझने का एक ही सूत्र है। तो अगर हमने हल्दी को समझा है तो हल्दी के यूज में गलती नहीं की, अगर हमने नीम को समझा है तो नीम के यूज में गलती नहीं की। आज हमको पता है कि आम खाते हैं, सेब खाते हैं, है ना, किसको पका के खाते हैं, किसको कच्चा खाते हैं, किसको नमक के साथ खाते हैं, किसको गुड़ के साथ खाते हैं, ये सब हमको पता है। कौन सी फसल कब लगती है, किस जमीन पे लगती है, कौन से मौसम में लगती है, तो अब गलती नहीं होती। अब गेहूं बोने चले थे और हमने जो है गेहूं जो है सड़क पे बो दिया, ऐसा नहीं होता है, है ना। तो जितना समझे उतना कर पा रहे हैं, कुछ नहीं समझे तो कुछ गलतियां हो रही हैं। ये ठीक हो गया। ऐसे ही पशु जगत में भी काफी कुछ समझे हैं, तो आज हम अगर दूध के लिए किसी जानवर को पालने जाते हैं तो हमको पता है कौन सा लाना है, है ना। ऐसा नहीं है कि वहां गए और देखा हाथी, ये तो बहुत बड़ा है, ये बढ़िया लगेगा, ऐसा नहीं होता। हम गाय लाते हैं, रखवाली के लिए लाना है तो कुत्ता ही लाते हैं, है ना। लेकिन किसी ने तो कुत्ते के साथ दोस्ती की होगी कभी, उसके साथ कोई समझ, उसको समझा होगा कि हाँ ये इस काम आता है। घोड़े को पहचाना होगा, हाथी को पहचाना, गाय को पहचाना, बहुत सारे जानवर को पहचाना। ये ठीक हो गया। इसलिए जब जब तक हम इन तीन के साथ कोई डील करते हैं तब तक हमें कोई शंका नहीं होती, हमको कोई दिक्कत नहीं होती, हमको कोई परेशानी नहीं आती। परेशानी कहां शुरू हो रही है, क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि जब हम पदार्थ को समझने गए तो लोहा प्रकृति में कैसा है वैसा समझा, है ना। ऐसा नहीं कि यहां का लोहा अलग है और वहां का लोहा अलग समझा और वहां का लोहा अलग समझा, ऐसा नहीं समझा। ऐसे ही आम नेचर में कैसा है उसका नेचर, वो नेचुरल डिजाइन उसके समझा। ठीक हो गया। जब हम पशु जगत को समझने गए तो डायरेक्टली प्रकृति में देखा और डायरेक्टली प्रकृति से ही उसको समझा, है ना, कि वो प्रकृति में कैसा है। इसलिए एक बार शेर को समझ लिया तो अगर हम यहां से नेपाल गए तो ऐसा नहीं है कि उसके शेर को गाय समझ के उसके पास चले जाएंगे। ये ठीक हो गया। मानव को जब समझने गए तो नेचर बीच से गायब हो गया। मानव नेचर में कैसा है, है ना, तो अब नेचर गायब करके हमारी तो क्या आ गई, तो बेसिकली मेरे सामाजिक वातावरण से जो तीसरी चीज मुझे मिलती है वो मिलती है मान्यता। मान्यता का क्या मतलब है? मान्यता का इतना ही मतलब है बिना जांचे, है ना, किसी दबाव से या किसी प्रभाव से मान लेना, है ना। मेरे वातावरण में था तो मैं उसके प्रभाव में था, है ना, या मैं किसी दबाव में था। तो मानव के बारे में ज्यादातर हमारी मान्यताएं, तो मानव के साथ जब बात करने जाते हैं तो सारी मान्यताएं आगे आती हैं, लड़का लड़की, काला गोरा, हिंदू मुसलमान, है ना, राजपूत ब्राह्मण, ये सो 36 बैरियर लगाने के बाद हम आदमी से डील करने जाते हैं। उसके बावजूद भी बातचीत हो रही है वो गनीमत की बात है। हम जितने, मतलब हमारा बहुत निकटतम आदमी भी होगा उसके साथ भी हम बहुत
नेचुरली बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ भी हमारी कुछ मान्यताएं सामने आती हैं। मान्यताओं का आपस में मिलान हो गया तो इसी को बोला जाता है विचार मिलने चाहिए। विचार विचार कहीं नहीं मिलते हैं, विचार कि विचार अपने आप में है क्या चीज़, ये तो अभी तक दूर दूर तक नहीं खबर है। हाँ जी, आप भी वही मानते हैं, मैं भी वही मानता हूँ। जब तक अपन एक जैसा मानते हैं तो फिर तब तक गाड़ी चलती है। जिस दिन मानना अलग अलग हो जाता है उस दिन गाड़ी नहीं चलती है। तो करना क्या है, बचावा काम क्या है, मानव को भी समझा जाए कि वो नेचर में कैसा है, उसका नेचुरल डिज़ाइन कुछ है। तो दो चीज़ें समझनी बाकी हैं, शिक्षा का भी कोई नेचुरल डिज़ाइन है और मानव का भी कोई नेचुरल डिज़ाइन है। काम तो बस इतना ही बचा है, बाकी काम तो अपने पूर्वजों ने काफ़ी कर दिया है। ये ठीक हो गया? तो अब क्या होता है, सारी मानसिकता का रिजल्ट ये है कि बेसिकली ये सारा जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, चाहे स्किल, समझ, मान्यता, ये सब कुछ मेरे साथ होता है, इससे मेरी कोई मानसिकता तैयार होती है। मानसिकता तैयार होती है तो फाइनली उसका एक ही रिजल्ट होता है कि वो सुख के प्रति उसकी कोई मानसिकता बनती है, क्योंकि आदमी सुखी होना चाहता है। तो मैंने जो भी कुछ सीखा फाइनली किस लिए सीखा, या जो भी कुछ मेरे वातावरण से मैंने स्वीकार किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। तो मेरे वातावरण से मुझे सुखी होने की कोई मान्यता मिलती है, कोई मानसिकता मिलती है। अगर मैंने उसको स्वीकार कर लिया तो जैसा लोग चल रहे थे मैं वैसा चलना शुरू करता हूँ। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन देना, जैसा है वैसा हम मान लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि किसी को वो अधूरापन समझ में आ जाता है तो वो रिएक्शन में चला जाता है। तो हम या तो अपने वातावरण का रिफ्लेक्शन है या तो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। तो जैसा मेरे सामाजिक वातावरण में सुख की मानसिकता को माना गया, या तो मैंने उसको जैसे का तैसे फॉलो किया या मुझको कुछ गड़बड़ लगी किसी और कई वजह से और मुझको लगा कि बाकी कुछ भी करूं पर ये तो नहीं करूंगा। तो जिसमें जिसने सुख मान लिया फिर वो तो सारी मानसिकता यही है। तो आप फाइनली बच्चों को अगर एजुकेशन दे रहे हैं, फाइनली रिजल्ट ये आएगा कि आपने उसको सुख के बारे में क्या समझाया, क्योंकि जाएगा तो वो उधर ही जिससे उसे सुख समझ में आएगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए सिकंदर अपने देश का राजा था, तो एक राजा के पास वो सब कुछ होता है जो सामान्यतः एक आदमी अपनी ज़िंदगी में कल्पना करता है। उसके पास तो उसे ज़्यादा ही रहा होगा, सबसे बड़ा महल, सबसे बड़ा पद, जिसको पद का सम्मान बोलते हैं वो भी सबसे अधिक रहा होगा उसके पास। तो जो कुछ भी था वो सबसे ऊपर ही था। उसके बावजूद वो वहाँ से 25-40 हज़ार लोगों को लेके आता है और तमाम कष्ट झेलता है, क्योंकि उस समय राजा एसी में तो चलता नहीं था, ठीक है। तो उसका अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत कष्ट झेले हैं, है ना। अपने सैनिकों की अवहेलना झेली और सेनापतियों को मिला के रखना पड़ता था, बहुत सारे उसको भी तनाव झेलने, ये इतना सारा झंझट झेला उसने। क्यों झेला? क्योंकि उसके वातावरण में सुख की क्या मानसिकता थी, क्या मान्यता थी, विश्व विजेता, ठीक। और फाइनली 32 साल की उम्र में बुखार से मर गया। इतना सारा और दोबारा अपने देश नहीं जा पाया, ये ठीक हो गया। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा उदाहरण है बुद्ध का। बुद्ध का वातावरण कैसा था, वो राजकुमार थे तो सिंपल सिंपल डिजाइन था, है ना। राजाओं की तरह राजा बनो, दो चार शादियां करो, महल बनाओ, लड़ाइयां लड़ो, ऐश करो। वो मानसिकता उनको समझ में नहीं आई तो उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक। ये बात अलग है कि वो किसी उनको कोई चीज़ मिल गई, लेकिन किसी को भी नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि उनके पास शिक्षक उस समय बुद्ध के सवाल, बेसिकली शिक्षा मतलब सवालों के जवाब नहीं थे ना, तो फाइनली उनको रिएक्ट करना पड़ा। तो या तो हम अपने समाज, अपने सामाजिक वातावरण का रिफ्लेक्शन देते हैं या रिएक्शन देते हैं।
शिक्षा पूर्वक आदमी इसलिए तैयार होगा कि वो रिस्पॉन्स कर सके, रिस्पॉन्सिबिल, इसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है ना। तो इतनी बात थी। तो शिक्षा का डिजाइन ये है। तो आप लोगों ने चाहे जाने अनजाने में आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है, अब ये आपको तंग करेगा। आपका बच्चा मान ले जाए 100% मार्क्स भी ले आए और उसका बिहेवियर ठीक नहीं हुआ तो आप चैन से सो नहीं पाएंगे। तो आपने जिस जिस भी पेशे को पकड़ा है, ये दुनिया का सबसे कठिनतम भी है और सबसे आसान भी है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा पेशा है जो डायरेक्टली मानव के साथ काम करने का मौका देता है, है ना। तो ये तो एक थोड़ा फिलोसफिकल बात थी। अब थोड़ा सा आज की शिक्षा की बात करते हैं, हो क्या रहा है। तो बेसिकली शिक्षा में देखेंगे तो समझ के लेवल पे तो अपन कर ही रहे हैं, साइंस पढ़ा ही रहे हैं, पदार्थ के बारे में हम कोई अपनी तरफ से तो कुछ नहीं पढ़ा देते। देखिए दिक्कत कहाँ आती है, जब आप साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी मान्यता नहीं उसमें डाल रहे हैं ना। परमाणु जैसा है वैसा है, बायोलॉजी में जैसा, फोटोसिंथेसिस जैसा होता है आप वैसा होता है, लेकिन इस तो फिर हो क्या रहा है। ठीक, चलिए देखिए, अभी तक शिक्षा में जैसे हम सब कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को ही पढ़ाते हैं, चाहे वो इंटर के ही हैं पर है तो वो छोटे बच्चे, शुरुआत तो छोटे बच्चे से ही होती है। तो सवाल ये है कि इस छोटे बच्चे में छोटा क्या है ना, ठीक है, और शरीर के अलावा बाकी क्या है ना, बुद्धि, मन, आत्मा, जो भी बोले, मोटी भाषा में उसको मन बोल सकते हैं। तो मन तो छोटा बड़ा होता नहीं है, अब उसको छोटा मानने से क्या दिक्कत आई। जैसे मान ले जाए मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मेरे पड़ोस में एक छोटा आदमी रहता है, एक बड़ा आदमी रहता है, एक बड़ा आदमी रहता है, एक छोटा आदमी रहता है, तो अब बताइए बड़े आदमी का मकान कैसा। बड़े आदमी का मकान कैसा कैसा होगा, कल्पना कीजिए कैसा होगा। ठीक है, उसकी नौकरी ठीक है ना, और छोटे आदमी की नौकरी छोटी होगी, उसका मकान ठीक है। पर मैंने ये तो नहीं बोला था कि बड़ा आदमी, मैं बड़ा आदमी शरीर से भी तो बड़ा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि बड़ा आदमी शरीर से बड़ा हो, नौकरी भले ही छोटी करता हो। तो आपने कैसे मान लिया कि बड़े आदमी का मकान ही बड़ा होता है। यह है छोटे शब्द के साथ झंझट। हम जो भी शब्द बोलते हैं उसके पीछे अपना कोई भाव पैदा होता है, वो भाव या तो समझ से पैदा होगा या मान्यता से पैदा होगा। तो छोटे बच्चे को छोटा मान लेने से बहुत झंझट खड़ी होती है। ठीक, छोटा है तो क्या है, कम है, और कम है तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसको सिखाया जा सकता है, इसको तो मेरे हिसाब से चलना ही चाहिए। हम हमेशा अपने से छोटे को ही चलाना चाहते हैं अपने हिसाब से, बड़े के सामने तो हमारी गिग्गी बन जाती है ना, जिसको भी हम बड़ा मानते हैं, चाहे वो शरीर से बड़ा हो चाहे पद से बड़ा हो। ये ठीक हो गया। तो अब आपने उसको छोटा मान लिया है, तो पहली बड़ी समस्या ये है एजुकेशन में कि जिसके साथ एजुकेशन करनी है आपने उसको छोटा मान लिया है। छोटा मानने से यह दिक्कत हो गई कि आपने उसकी हर चीज कम मान ली है। जैसे आपने ये मान ही लिया कि छोटे आदमी की नौकरी छोटी है,
ठीक, लेकिन अगर उस तरह से देखेंगे तो तेंदुलकर छोटा आदमी कि बड़ा आदमी है? क्यों, शरीर से तो छोटा ही है। हाँ, तो अभी देखिए क्या क्या गड़बड़ हो रही है। देखिए, जब तक हम पदार्थ के साथ, वनस्पति के साथ, जीव जंतु के साथ छोटा बड़ा शब्द यूज करते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। ये ठीक हो गया? मैं बोलूं मेरे घर में एक बड़ा कुत्ता है ना, या मेरे घर में दो कमरे हैं जिसमें एक कमरा छोटा है, एक कमरा बड़ा है, तो आपके भाव नहीं बदलेगा। पर जैसे ही मैंने कहा कि मेरे पड़ोस में एक बड़ा आदमी रहता है, एक छोटा आदमी रहता है, आपका पूरा कैलकुलेशन चलने लग जाता है ना? जैसे कि हम उसे घर अब रिश्ता करने जाने वाले हैं। तो छोटा समझ लेने से, जिसको छोटा समझा वो कम है, जो कम है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, जिसको नियंत्रित किया जा सकता है वो समझदार नहीं होता। तो सिर्फ छोटा मान लेने से छोटा ही नहीं माना आपने, उसको ना समझ मान लिया आपने, उसे कम मान लिया, वो गलती करना ही चाहता है, ठीक है। और फाइनली तो पहली गड़बड़ क्या है, वो बच्चा छोटा नहीं है, वो बस आपसे अलग है, शरीर में, जानकारी में, कुछ जानकारी में, कुछ जानकारी में तो आपसे आगे ही होगा वो, आजकल के हिसाब से देखेंगे तो, है ना? तो कहाँ कम है वो? वो कहीं भी कम नहीं है, बस आपसे अलग है। तो छोटा मान लेने से बड़ी झंझटें होती हैं। छोटा आदमी बोलते ही हमारा भाव बदल जाता है। ठीक हो गया? तो जिसको छोटा मान लिया उसके साथ हमारी भाव भंगिमा बदल जाती है, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है ना? तो एक झंझट क्या है? तो पहली समस्या ये है, बच्चा छोटा मान लिया गया। तो छोटा माना तो नियंत्रित किया जा सकता है ना? ये ना समझ है ही, है ना? ये तो कच्चा घड़ा है, कोरी स्लेट है, पता नहीं क्या 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 बोला जाता है, ठीक। एक 3 साल का बच्चा कोरी स्लेट होता है। अभी कभी आपको फुर्सत मिले तो किसी 3 साल के बच्चे से फुर्सत से बात करना, 2 से 2.5 घंटे नहीं बोला तो बताऊंगा मैं, 3-3 घंटे सुना हूं बच्चों को, उन पे इतना मैटर होता है। और आजकल के बच्चों पे तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि दिन रात टीवी देख रहे हैं, है ना? तो ना तो वो कोरी स्लेट है, वो एक विशुद्ध मानव है जो समझने की क्षमता के साथ है और समझना चाहता ही है, ठीक। अब आप ही ने उसे छोटा मान लिया तो हमारा पूरा पूरा बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है, ठीक हो गया? ये ऐसा ही है जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर कार वाले को किसी बाइक वाले को किसी कार वाले ने टक्कर मार दी और किसी रिक्शे वाले ने टक्कर मार दी, आप उसका बिहेवियर पैटर्न देखिएगा, क्योंकि रिक्शे वाला छोटा आदमी है, कार वाला कोई बड़ा आदमी है, तो कार वाले के सामने उसका बिहेवियर पैटर्न अलग हो जाता है, ठीक। और ये सब चीजें बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप जब भी सीखते हैं, है ना, तो किससे सीखते हैं? जिसको जिससे आपका कोई रिलेशन होता है ना? हाँ, किस जिससे भी सीखते हैं, है ना, उससे तो कोई संबंध होता है तब सीखते हैं। तो शिक्षा कहाँ होती है? शिक्षा के लिए संबंध होना जरूरी है। ये ठीक हो गया? अब आपने तो छोटा मान लिया है, ठीक है, तो छोटा मान लिया तो शासन होना ही है, शासन होगा तो शासित भी होगा। अब शासन और शासित के बीच का संबंध कोई है? क्योंकि शासक क्या चाहता है? शासक की सारी सारी कोशिश क्या है? कंट्रोल बनाए रखने की है। और शासित की सारी कोशिश किस लिए है? कंट्रोल से छूटने की है। तो उन दोनों के बीच कोई रिलेशन डेवलप होगा, है ना? तो अधिकांश जगह इसको
स्कूल में टीचर और बच्चे के बीच में बेसिकली शासन और शासित का संबंध है, और शासक और शासित का कोई संबंध होता ही नहीं है। तो दूसरी सिस्टम क्या, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, संबंध विहीन शिक्षा चल रही है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा कोई शासक थोड़ा दयालु हो, कोई शासक थोड़ा मजाक वजाक कर लेता हो, है ना। मोटे तौर पे दो तरह के शासक आप ऐसे उदाहरण के लिए बोल सकते हैं, जैसे भारत में जो रिसेंटली भारत से जो राजा महाराजा हटे हैं उसमें मुगल शासन ही है, तो औरंगजेब को सबसे क्रूर शासक माना जाता है ना, और उसमें अकबर को काफ़ी पोलाइट और काफ़ी दयालु शासक माना जाता है, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में बताया जाता है। लेकिन शासक तो शासक होता है। तो औरंगजेब सबसे क्रूर था और अपने धर्म के प्रति कट्टर भी था, इसके बावजूद सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी औरंगजेब के दरबार में थे, अकबर से भी ज़्यादा, ये फैक्ट है ना। उसके सेनापति जयसिंह हिंदू ही थे, और सेनापति कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, और वो भी मुगल फौज का, है ना, 3.5-4 लाख की फौज उनकी होती थी। ठीक है, और अकबर जो है वो काफी मिलनसार माना जाता था, उसने काफी लोगों से संधियां की और कोशिश की कि कम से कम झगड़ा हो, इसके बावजूद उसने बहुत छोटे छोटे दो स्टेट को बिल्कुल मिट्टी मिलीन किया। एक दुर्गावती का नाम सुना होगा आपने गोंडवाना में, और एक चांदबीबी अहमदनगर की। ठीक है, दोनों ही जगह धर्म का कोई खेल नहीं है, चांदबीबी मुसलमान है, दुर्गावती हिंदू है, तो वो तो हम आज की दृष्टि से उसे हिंदू मुसलमान देखते हैं, शासक शासक होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शासक औरंगजेब हो सकता है और कम से कम अकबर हो सकता है, इसे नीचे नहीं जाएगा। ठीक, तो शासक और शासित के बीच में कभी कोई संबंध होता ही नहीं है, तो वो कहानी आपने सुनी होगी ना कि अकबर के दरबार में तानसेन थे, तो तानसेन बहुत हाई क्लास गायक थे, तो किसी ने अकबर को बताया कि तानसेन के गुरु तो इसके भी गुरु हैं, मतलब स्वामी हरिदास जी उनके गुरु थे, तो तानसेन को उन्होंने बुलाया कि बुलाओ गुरु जी को, हम सुनना चाहते हैं, वो सुनाओ, तुम्हारे भी गुरु हैं, तो तुम जब इतना बढ़िया गाते तो तुम्हारे गुरु और भी बढ़िया गाते होंगे। तो उन्होंने कहा गुरु जी यहाँ तो आएंगे नहीं। ठीक हो गया, तो बोला कि हम चल लेते हैं उनके पास, तो बोला वो आप जाएंगे तो भी नहीं गाएंगे, किसी के बोलने पे नहीं गाते, उनका जब मौज आती हो तब गाते हैं। तो बोला सुनना तो है, क्या करना पड़ेगा, तो बोला कि वो कोई खास दिन होता है उस दिन वो जरूर गाते हैं, तो लेकिन अगर आप सामने चले गए तो बिल्कुल नहीं गाएंगे। तो वो ऐसा कहानियों में आता है कि वो कहीं छुप गया और उसने सुना सुबह, और वो भी सुबह 4 बजे से गाते थे। सुनने के बाद अकबर के सारे चारों खाने चित्त हो गया, उसने कहा तो कुछ है ही नहीं, है ना, ये कितना बढ़िया गाते हैं, तू तो नहीं गाता इतना बढ़िया, तू कहाँ से इनका चेला हुआ। तो उन्होंने बोला महाराज मैं आपके लिए गाता हूँ, पैसे तनख्वाह पे गाता हूँ, वो थोड़े ना तनख्वाह पे गाते हैं, मतलब वो शासक, मैं तो शासित हूँ आपका, अगर उस भाषा में बोले तो शासक और शासित के बीच में कोई संबंध नहीं होता। तो स्कूलों में देखिए बच्चे के और टीचर के बीच में कितना तनाव रहता है, ज़्यादातर जगह अधिकांश, मैं भी 15 साल से कई स्कूलों में गया हूँ, है ना, काफ़ी स्टेट में गया हूँ, सब जगह यही समस्या है। और मैं ऐसे स्कूलों में भी गया हूँ जहाँ एकदम इंटीरियर के स्कूलों में जहाँ बच्चे ज़मीन में बैठते हैं बेसिक सुविधाओं के साथ हैं, और ऐसे स्कूलों में भी जाता हूँ इस तरह के जहाँ ठीक ठाक फैसिलिटीज़ हैं, महंगे स्कूल भी, दोनों जगह समस्या एक है, टीचर और बच्चे के बीच में हमेशा तलवार खींची रहती है ना, और टीचर की भाषा हमेशा शासक वाली होती है। ठीक, तो मेरी बिटिया 6 में पढ़ती है ना, तो वो मतलब जब नए स्कूल में एडमिशन हुआ उसका, तो दूसरे, उसका नाम अद्वैता है, तो वो अगले एक दिन भुनभुनाते हुए घर आई और उसने कहा कि वो मैडम तो ना पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। तो क्या हुआ, तो मैडम ने यह बोला कि यार ये अद्वैता भी कोई नाम है क्या, ये इतना बेकार नाम कौन रखता है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। अब
मैडम को इसका अपमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन शासक है ना, वो किसी की भी मजाक उड़ा सकता है। शासक की मजाक थोड़ा ना कोई उड़ा सकता है, ठीक। तो या तो शासक की मजाक उड़ा सके तो भी कोई बात है। अकबर तो कम से कम एक बीरबल रखता था अपने पास। भारत में एक परंपरा थी एक जमाने में कि कोई एक आदमी रहता था उसके बगल में विदूषक, जो कम से कम उसकी मजाक उड़ा सकता था। यहां तो वो भी नहीं है, है ना। तो आप ये देखिए कि ये बच्चा जो है, माता पिताओं ने अभी तो बच्चों के हाल बहुत ही बुरे कर रखे हैं, ठीक है। जो जितना प्रेशर बच्चों के ऊपर आज के दौर में है उतना शायद कभी था भी नहीं, ठीक। इन सब के बावजूद बच्चे काफी ठीक ठाक हैं, तो हमें उनका धन्यवाद देने की जरूरत है। तो दो समस्याएं स्कूल में हैं, एक ये है कि कोई संबंधी नहीं पनपता, और दूसरा यह है कि उसको छोटा मान लिया। ये ठीक हो गया। अब हम एक तीसरे फेज में आते हैं, जो आखिरी के हमारे पास 15-20 मिनट बचे हुए हैं, कि जैसे मैंने बताया कि स्कूल में किसी वातावरण में शिक्षा होगी तो उस वातावरण में हम ज्यादा, आज मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, समय कम है, पर जितना भी कर पाया तो उसके वातावरण में क्या चीजें होनी जरूरी है। तो जो सबसे पहली चीज है वो चीज है सम्मान। तो विद्यालय का वातावरण ऐसा हो तो सभी बच्चों को स्कूल जाने से कतराते हैं, अधिकांश बच्चे डरते ही हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक मानव को, अगर आपने में से किसी ने पहले सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो अभी सुन सकते हैं, एक मानव को चार भय होते हैं। है ना? तो या तो मेरे को प्राण भय है, कोई मेरी जान ना ले ले, धन भय हो गया, है ना, या मैं जिस पोस्ट पे हूं, अधिकार के पद पे हूं, वो खत्म ना हो जाए, या मेरी मान खत्म ना हो जाए, मेरा सम्मान खत्म ना हो जाए, मेरी पहचान खत्म ना हो जाए। ये ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है कि एक स्कूल में बच्चे को प्राण भय तो नहीं है, है ना, ऐसा उसे कोई डर नहीं है, उसको धन का भी भय नहीं है, उसको पद का भी कोई भय नहीं है, तो क्या बचा? तो स्कूल ऐसी जगह है जहां बच्चे को यह बताया जाता है कि तुमको क्या क्या नहीं आता, ठीक। अगर आप ऐसी जगह जाएं जहां हर समय कोई आपको जज कर रहा हो, जहां हर समय आपके ऊपर कैमरे रखे हों और हर बार में आपको हर बात के लिए टोका जा रहा हो, तो जब भी मुझे ऐसी जगह जाने का मौका मिलेगा जहां मुझे लगेगा कि मेरी इंसल्ट हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा कि बचूं, ठीक। तो स्कूलों में कैसे बच्चे का सम्मान सुनिश्चित किया जाए, तो उसके लिए सम्मान को समझना जरूरी है, तो थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। अभी मैं थोड़ा ये बताऊंगा कि सम्मान क्या नहीं है। अभी तक सम्मान किसको माना गया? तो शिष्टाचार को सम्मान मान लिया गया, ठीक है। वैसे वो शिष्टाचार भी नहीं है, पर विशेष व्यवहार भी बोल सकते हैं उसको, पर चूंकि ये शब्द प्रचलित है तो अब इसी को लेते हैं। शिष्टाचार क्या होता है भाई? पैर छू लेना, है ना, नमस्ते करना, कोई बड़ा आ गया तो खड़े हो जाना अपनी जगह से, यही सब होता है, ठीक है। अब ये बताइए कि ये शिष्टाचार किसके साथ होगा? या तो उम्र में बड़ा होगा या पद में बड़ा होगा, दो ही लोग हैं। और सम्मान सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सम्मान सबको चाहिए, और आपने शिष्टाचार को सम्मान बता दिया तो इसका मतलब है ये कुछ ही लोगों को मिलेगा। तो अब जिसके साथ शिष्टाचार नहीं हो रहा है उसका क्या? शिष्टाचार का मतलब विशेष व्यवहार उसके पद और उम्र के अनुरूप, है ना। तो अब जिसके साथ नहीं हो रहा है, इसलिए जिसके साथ ये विशेष व्यवहार नहीं होता
वो अपने आप को इग्नोर फील करता है, इसलिए हमारा झगड़ा इस बात का रहता है कि मैं वहां गया, उसने मुझे पानी भी नहीं पूछा, उसने मुझे कुर्सी पे नहीं बिठाया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। क्या नहीं किया? विशेष व्यवहार नहीं किया। तो विशेष व्यवहार को सम्मान मान लेने से कम बच्चे का सम्मान तो नहीं हो पाएगा स्कूल में। तो बेसिकली शिष्टाचार जरूरी चीज है, ये विशेष व्यवहार जरूरी चीज है। कोई उम्र में बड़ा आएगा तो उसके साथ कुछ विशिष्ट व्यवहार होंगे ही, कोई पद में बड़ा आएगा तो उसके साथ कुछ विशिष्ट व्यवहार होंगे ही, पर उसको सम्मान मान लेने से आपने सम्मान कुछ ही लोगों को तक सीमित कर दिया। इसलिए पद की और शिष्टाचार की इतनी ज्यादा दौड़ है, इसलिए हर किसी को माला पहननी है, गले में माला पड़ जाए, इसके लिए सारी कोशिश है। हमने बच्चों की जान खाई हुई रहती है, नमस्ते करो नमस्ते करो, वो बेचारा जिस दिन से बोलना शुरू करता है उस दिन से उसके पीछे पड़ जाते हैं, हेलो करो नमस्ते करो ये करो सो करो। तो शिष्टाचार सिखाया नहीं जाता, वो वातावरण में जैसा शिष्टाचार होता है बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेता है। हमने उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसकी समझ में नहीं आता है, फिर एक दिन उसकी समझ में आता है कि नमस्ते करने से चॉकलेट मिलती है, तो जो चॉकलेट देता है तो उसका सम्मान वो कर ही लेता है, जो नहीं देता उसका नहीं करता है। तो शिष्टाचार सम्मान नहीं है, ये अपने को क्लियर कट हो जाए, फिर बच्चों को ये बताया जा सकता है कि भाई देखो ये नियम है कि जब कोई क्लास में टीचर आएंगे तो आप खड़े होंगे, ये नियम है, पर ये टीचर का सम्मान नहीं है। तो बच्चे ने भी इसे सम्मान समझ लिया तो वो भी क्या करते हैं, वो आपको सुबह नमस्ते कर देते हैं, आप जब क्लास में आते हैं तो आपके खड़े हो जाते हैं, उनका कर तो दिया सम्मान, अब क्या करना है, बाकी 35 मिनट करते रहे पीछे अपना जो कुछ करना है, क्योंकि सम्मान तो उन्होंने कर ही दिया ना, आप बोल भी नहीं सकते। तो सम्मान कोई अलग तरह की चीज है। तो ये बड़ा भ्रम फैला हुआ है समाज में कि शिष्टाचार कोई सम्मान की चीज है, इसलिए हर कोई शिष्टाचार के लिए मरे जा रहा है। ठीक, मेरे साथ विशेष व्यवहार हो जाए इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार, ठीक हो गया। लेकिन शिष्टाचार को सम्मान मान लेने से गड़बड़ ये होगा कि ये सबको नहीं मिलेगा, जबकि सम्मान सबको चाहिए। दूसरा हो गया अभिनंदन। अभिनंदन समझते हैं? अभिनंदन जैसे आप क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आ गया तो आप उसे सामने बुलाते हो, तालियां बजवाते हो, तो हम बोलते हैं कि हम बच्चे का सम्मान कर रहे हैं, तो फिर बाकी बच्चों क्या कर रहे हैं, फर्स्ट तो एक ही आएगा, और ये करना जरूरी भी है। और फाइनली आपने बुलाया क्यों इस बच्चे को यहाँ पर, आप चाहते क्या थे? ताकि दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिले, मिलती है? उल्टा जेलस फील होता है। समाज में भी ऐसे ही होता है, अगर कोई आदमी को हम कहीं देखते हैं कि उसको कहीं सम्मान उमान हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या किया होगा इसने, है ना, घूस दी होगी, ये किया होगा, सो किया होगा। प्रेरणा के लिए कहा था, हमने सोचा था कि मोटिवेशन मिलेगा, पर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने इसे सम्मान बता दिया, तो जिस क्षण इसका सम्मान हो रहा है बाकी सब इसको अपना अपमान मान के चलते हैं, क्योंकि इसको मिल रहा है इसका मतलब बाकियों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने उसे विशेष बना दिया। तो अभिनंदन क्या है? बेसिकली अभिनंदन किसी की उपलब्धि की या किसी के प्रयास की सार्वजनिक प्रशंसा है, की जानी चाहिए, जरूरी है, लेकिन इसको सम्मान ना बोला जाए। और वो अभिनंदन भी कैसा हो, आपने एक बच्चे को बुलाया और उसको तालियां नहीं बजाई, उससे पूछा क्या भाई आपके नंबर कैसे आए ज़्यादा, आपने ये चार सवाल कैसे किए क्योंकि बाकी ने छोड़ दिए थे, आपने कितनी देर पढ़ा, उसका प्रोसेस। तो मोटिवेशन किस चीज़ की मिलेगी? प्रोसेस की मोटिवेशन मिलेगी, नहीं तो 90 नंबर लाने की क्या मोटिवेशन मिली? फिर तो ये मोटिवेशन मिला ना कि 90 नंबर लाने हो फिर वो कैसे भी आए, क्योंकि आपने प्रोसेस तो पूछा ही नहीं। तो अगर इसका अभिनंदन होगा, कि अभिनंदन का मतलब ही है कि उससे उसका प्रोसेस पूछा जाए, उसके प्रक्रिया पूछी जाए, तो उसकी प्रक्रिया का अभिनंदन है कि देखो उस, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं ला रहे हैं कि इसके 90 नंबर आए, इसलिए ला रहे हैं कि देखो उसने इसके पीछे पूरा सिस्टमेटिक काम किया, तो वो वहाँ जाएगा। लेकिन उसको सम्मान ना बोला जाए, मतलब अपन शुरू करें कम से कम, समाज में तो अभी सम्मान ही सम्मान होता रहता है सबका, है ना, फिर वो विधायक जी का सम्मान होता है, ठीक,
फिर विधायक जी को मुख्यमंत्री के आगे अपना अपमान लगता है, इसलिए हर विधायक को मुख्यमंत्री बनना है। अब देखिए ये भी कुछ ही लोगों के साथ होगा, ये भी कुछ ही लोगों के साथ होगा, क्योंकि हर समय तो हर कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त कर रहा है ना। ठीक, तो जो कुछ ही लोगों को प्राप्त होगा वो विशिष्ट व्यवहार है, लेकिन सम्मान तो नहीं है। तीसरी चीज है आकर्षण, किन्हीं खास परिस्थितियों में कोई खास व्यक्ति किसी वजह से आकर्षण का केंद्र बन सकता है, क्योंकि सबका ध्यान उसको मिल रहा है। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको भी सम्मान मान लिया। तो अब जिसको ध्यान नहीं मिल रहा है उसको कैसा लगता है, उसको अपमान लगता है। तो फिर एक ही जिंदगी में एक ही मकसद बचता है, लोगों का ध्यान खींचा जाए, इसी को अटेंशन सीकिंग बोलते हैं। अब दिक्कत यह है कि किसी खास परिस्थिति में कोई खास व्यक्ति ही आकर्षण का केंद्र होगा। उदाहरण के लिए अभी अगर कोई इस हॉल में बाहर से आएगा तो आकर्षण का केंद्र मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर अगर मैथ्स की बात होगी तो जो मैथ्स के टीचर होंगे वो आकर्षण का केंद्र हो जाएंगे। अभी अगर साइंस की बात होगी तो साइंस के टीचर आकर्षण के केंद्र हो जाएंगे। अभी अगर कैमरा की और वीडियो कैमरा की बात आएगी तो ये भाई साहब आकर्षण का केंद्र हो जाएंगे, क्योंकि ये बता पाएंगे, सबका ध्यान उधर चला जाएगा। अब ये सबको नहीं मिल सकता, लेकिन ये आकर्षित करने सबसे सरल रास्ता लगता है, इसलिए हर कोई दूसरों का ध्यान खींचने में ही लगा हुआ है। हमारी सारी ताकत लोगों का ध्यान खींचने में लगी हुई, कैसे ध्यान मिले। तो एक वो छोटा सा चुटकुला जैसा ही है कि एक आदमी था जिसको ध्यान खींचने की आदत थी, तो कभी मकान में रंग कर दिया, कभी बड़ी गाड़ी खरीद ली, कभी कुछ कर दिया, तो लोग उसको पूछते थे तो उसको लगता था कि मेरा सम्मान हो रहा है। तो एक समय वो हीरे की एक अंगूठी लाया, संयोग से जो है उस समय लोग गाँव मतलब कुछ रहा होगा, उस सब लोगों का ध्यान नहीं गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, किसी ने पूछा ही नहीं। अब उसको तो लगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब सम्मान नहीं हो रहा है, तो उसने अपने घर पे आग लगा दी। अब आग लगा दी तो भीड़ इकट्ठी हो गई, चुटकुला ही है पर चुटकुले के मायने हैं। तो भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो बताया कि देखो वहां भी आग लग गई, वहां भी आग लग गई, वहां भी आग लग गई, वहां भी आग लग गई। तो इस बीच किसी ने बता पूछ लिया कि अरे ये अंगूठी तो नई दिख रही है, बहुत बढ़िया, कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा भले आदमी 4 दिन पहले पूछ लेते तो ये आग नहीं लगानी पड़ती। तो हकीकत ये है कि ये ध्यान पाने के लिए हमने अपनी जिंदगी में आग लगाई हुई है, अपने रिश्तों में आग लगाई हुई है। क्यों? क्योंकि सम्मान सबको चाहिए। इसलिए बच्चा भी आप देखेंगे क्लास में अटेंशन के लिए क्या क्या कुछ जुगाड़ करता रहता है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि मेरा ध्यान चला जाए। तो वो कभी चुटकुला सुनाएगा, कभी कुछ कमेंट मारेगा, तो वो कुछ हंसा देता है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ ध्यान मिला। ठीक, तो बच्चों को तो बाद में होगा, अपना खत्म हो जाए। तो आकर्षण का केंद्र आप केवल किसी परिस्थिति की वजह से बनेंगे, कोई खास परिस्थिति में आपका कोई स्किल है, आपकी कोई योग्यता है उस। अब जब योग्यता नहीं हुई मान ले जाए, अब बच्चों के पास बच्चे तो भी सी, तब जब योग्यता नहीं हुई तो क्या हुई? तो फिर क्या बचा आकर्षण के लिए? तो ये शरीर ही बचा फिर, तो इसी को रंग लो, अपनी गाड़ी रंग लो, मकान रंग लो, कुछ कर लो, इसी को आजकल क्रिएटिविटी भी बोला जा रहा है। तो सारा का सारा खेल किस लिए है? बेसिकली सम्मान पाना चाहता है। तो सम्मान क्या चीज है? तो सम्मान बेसिकली आप देखेंगे, जो जैसा है उसको वैसा मान लेना। ठीक है, सम्मान, मान यहां पे मूल्यांकन को भी बोलते हैं, ये ठीक हो गया। अभी तक क्या है, या तो हमने किसी का अधिमूल्यन किया हुआ है, अधिमूल्यन किया हुआ है मतलब जितना है उससे ज्यादा मान लिया, वो भी अपमानी है, ठीक हो गया, या किसी को उससे कम मान लिया, और
जो जैसा है उससे कुछ उसे अलग ही मान लिया। ठीक, तो बच्चा या तो गधा है या तो जीनियस है, आइंस्टाइन है। तो जब हम तारीफ के पुल बांधते हैं बच्चे के, तो ऐसे बांधते हैं कि मतलब अवतार ही समझ में आता है। और जब उसको गरियाना शुरू करते हैं तो ऐसा गरियाते हैं कि फिर है ना। तो या तो हम उसका अधिमूल्यन किए दे रहे हैं। तो बच्चे का सम्मान, तो बच्चे की कोई पहचान है, तो वो मानव है ना। और एक मानव आपके पास, सम्मान को दूसरे तरीके से भी देखा जाता है, जैसे मूल्यांकन, मूल्य को वैल्यू भी बोलते हैं। मान और वैल्यू एक ही चीज हुई, वैल्यू मूल्य भी एक ही चीज हुई है ना। हम बोलते हैं कि मेरी वैल्यू नहीं समझते है ना, मेरी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू क्या चीज होती है, जैसे इस पेन में वैल्यू क्या है लिखने की है ना, तो प्राइस क्या है इसकी। नहीं, वो तो वैल्यू हो गई, इसका प्राइस क्या। प्राइस और वैल्यू अलग अलग होती है, ये भी अपने को देखना है। इसकी वैल्यू घट बढ़ सकती है, ये 20 रुपए का है कहीं 15 का भी हो सकता है, कहीं 50 का भी हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं घटेगी तब तक जब तक ये लिख सकता है। जैसे गेहूं का प्राइस बदल रहा है हजारों साल से, लेकिन गेहूं का वैल्यू नहीं बदलेगा कभी भी। उसकी वैल्यू क्या है, तो बेसिकली उसकी उपयोगिता ही उसकी वैल्यू है। और ये जो उपयोगिता है बेसिकली यही इसकी श्रेष्ठता है। अभी हमने श्रेष्ठता को कैसे देखा, दूसरों से ऊपर। ये दूसरों से ऊपर नहीं है। अब आप सोचिए कि मैं इतनी दूर से आया हूं है ना, मुझे लाने इतनी बड़ी गाड़ी भी भेजी, एक गाड़ी भी भेजी गई, पेट्रोल भी खर्चा हुआ, मैं भी काफी दूर से आया हूं, हम काफी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था में इस पेन का रोल कितना है, बहुत है, काफी है ना। तो यही इसकी उपयोगिता है, यही इसकी श्रेष्ठता है कि ये व्यवस्था में क्या है, भागीदार है। तो मेरी उपयोगिता ही क्या है, सम्मान है। अब ये जो तीनों चीजें हैं ये बाहर से आ रही हैं, इसलिए हम इतना परेशान हैं, क्योंकि अभिनंदन कोई और करेगा है ना, शिष्टाचार भी कोई और करेगा, ध्यान भी कोई और देगा, इसलिए हम सम्मान के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे भी सम्मान की खातिर परेशान हैं। जबकि सम्मान कहाँ से आ रहा है, मेरी उपयोगिता से मेरा सम्मान तय हो रहा है ना। बुद्ध 2500 साल पहले पैदा चले गए, उनका सम्मान करते हैं हम नहीं करते हैं। उनका नाम आते ही क्या होता है, उनकी श्रेष्ठता स्वीकार हो जाती है, उनके सिर एक भाव पैदा होता है। क्यों पैदा होता है, क्योंकि उनकी कोई उपयोगिता थी मानव के लिए है ना। हालांकि उन्होंने किसी को खाना बना के नहीं खिलाया है ना, किसी को कपड़े सिल के नहीं दिए, तो वो मानव जाति के लिए उपयोगी हुए, या कोई भी ऐसा व्यक्ति। तो बेसिकली किसी की उपयोग, किसी ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की, किसी ने भागीदारी व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भागीदारी सिद्ध की, वही उसका सम्मान है। तो बच्चे का क्या सम्मान है, उसकी कोई उपयोगिता है। वो क्या उपयोगिता है, वो समझना चाहता है। अगर वो समझना नहीं चाहता तो आपके टीचर होने का क्या मतलब बना। अगर वो पहले से ही समझदार होता तो एक बच्चा, तो आप कब प्रमाणित होंगे कि आप अच्छे शिक्षक हैं, जब आप एक भाई आप किस आपको अच्छी गणित आती है, ये कब पता चलता है, जब आप किसी ऐसे बच्चे को गणित सिखा देते हैं जिसको गणित नहीं आती। भाई जो छोटा बच्चे को नहीं आती थी आपने सिखा दिया, तो आपकी उपयोगिता गणित के रूप में तो साबित हो ही गई। तो वो समझने के लिए प्रस्तुत है ना, वो आपके ऊपर विश्वास करता ही है छोटा बच्चा। वो तो धीरे धीरे जब उसे समझ में आता है कि ये भी घर में दो शासक पहले से थे, एक और मिला इधर, तो धीरे धीरे उसका भरोसा। लेकिन शुरू में बच्चा विश्वास करके ही चलता है, छोटे बच्चे जो आते हैं वो विश्वास करके ही चलते हैं। और यकीन मानिए कि बच्चे आज भी करना चाह, हम भी देखिए, हम भी सम्मान करना ही चाहते हैं, मिलता ही नहीं है कोई एक्चुअल में।
और एक्चुअल में कभी कोई मिलता है तो कैसा हमारा भाव हो जाता है? अगर कोई सच में हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका अंदर से हमें सब बाकियों के साथ तो अपन शिष्टाचार वगैरह करते ही रहते हैं, पर कोई सच में ऐसा व्यक्ति मिलता है तो स्वयं ही हमारा भाव उसके अंदर होता है। और जब हम सम्मान हमारे अंदर होता है तो अपन खुश होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये कि सम्मान करने की जो चाहना है वो भी मेरी नेचुरल चाहना है, तो बच्चे के अंदर कैसे नहीं होगी? और बच्चे करते ही हैं, है ना? तो मैं भी इस बात को, मतलब बीच बीच में मुझे ऐसा लगता था कि आजकल के बच्चे नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि मेरा बेटा भी स्कूल में पढ़ता है और बेटे के साथ अपनी ठीक ठाक पटरी बैठ जाती है, 11वीं में पढ़ता है वो, तो मेरे बच्चों से मुझे पता चल जाता है कि अच्छा दूसरा क्या है, मैंने थोड़ा कोशिश ये की कि मैंने अपने बच्चों को उपदेश नहीं डाले कि देखो बड़ों के साथ तमीज से बात करो या अपने गुरुजी का नाम, क्योंकि जब तक वो मेरे सामने जैसा है वैसा है प्रस्तुत नहीं होगा तब तक मैं काम कहाँ करूँगा। अगर मैं उसको ट्रेनिंग ही दे देता कि नहीं मेरे सामने तो उनका नाम भी नहीं लेना और आप करके बात करना और उनके लिए कुछ नहीं बोलना या फलाने के लिए कुछ नहीं बोलना, तो फिर वो कहीं और जाके बोलता। तो मैंने कोशिश ये की कि कम से कम उनकी कोई भड़ास है, उनकी कोई अंदर की बात है। तो एक दिन वो बच्चे जैसे कॉपियां बनाते ही हैं जो क्लास वर्क की कॉपियां होती हैं, तो काफी लापरवाही से बनाते हैं और 11वीं तक बच्चे आते आते हैं तो काफी मनमौजी हो जाते हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार ऐसे मतलब क्यों इतनी लापरवाही से बना रहा है, कुछ खास नहीं है। उसने कहा आप छोड़ दीजिए पिताजी, ये कोई चेक वेक तो करता नहीं है, वो वहां जाके ढेर लग जाती है ना, वहां ढेर लगी रहती है, कोई चेक नहीं करता है। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोला हम जाते हैं ना उस कमरे में कॉपियां देखने, बोलो पहले से जमा हुई है, मतलब कौन चेक करता है इनको। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर एक दिन मैंने देखा कि किसी एक कॉपी को वो बहुत साफ सुथरी, मुझे ये भी भरोसा नहीं हुआ कि इसकी राइटिंग है, बहुत बढ़िया ढंग से बना रहा था, साफ सुथरी ढंग से बना रहा था। अरे मैंने कहा ये तेरी राइटिंग है? बोला हाँ मेरी राइटिंग है। तो मैंने कहा ये तो तू बड़े प्यार से बना रहा है बहुत उससे, कि बोला नहीं ये फलाने सर की है, वो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये वो लड़का है जो एकदम आजकल का आम लड़का है, मतलब एक कोई आदर्श बच्चा उस रूप में नहीं है, मोबाइल गेम खेलता है, वीडियो गेम भी खेलता है ना, वो सब शौक पालते हैं जो आजकल के बच्चे पालते हैं, बट अपनी बातचीत हो जाती है, ऐसा मैंने डिजाइन बनाया हुआ है। उसने कहा ये सर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं और हमारी कॉपी का एक एक पेज चेक करते हैं, और जिसकी गलती होती है उसको बाकायदा बुलाते हैं, मतलब कब चाहे अलग से बुलाएं सबके सामने बुलाएं लेकिन ढंग से समझाते हैं। तो बोला इनकी तो मैं ठीक से ही बना, बोला ये सब सभी इसकी ठीक से बनाते हैं इन टीचर्स की। ऐसी मेरी बिटिया से मैं रोज बातचीत करता हूँ तो उसकी बातचीत से मुझे पता चल जाता है कि वो किस टीचर को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे पाती है। तो बेसिकली जो टीचर उसको ठीक से ट्रीट करता है, ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन किसी दिन वो खुश होकर बताते हैं कि आज तो मुझे डांट पड़ी, उन सर से डांट पड़ी, पर ऐसा नहीं बोलते कि उसने मुझे डांट दिया, लेकिन जिससे जिनके साथ उसकी तनातनी रहती है मान ले जाए तो उनका बिहेवियर से उसको लगा अरे उनने फालतू डांट दिया, लेकिन जिस दिन उसको लगता है कि इन सर ने, अगर उन सर ने डांटा है तो उस दिन वो सीरियस रहती है कि आज तो डांट पड़ी, स्वीकृति बनी हुई। तो वो अपने बच्चों से मुझे पता, क्योंकि बाकी बच्चों से नहीं, दूसरे बच्चों से तो मेरी बातचीत उतनी नहीं होती है, तो अपने बच्चों से मेरे को ये समझ में आया कि आज भी बच्चे सम्मान करना ही चाहते हैं, क्योंकि जब हम भी करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो सम्मान का वातावरण बना रहे, बच्चे का भय कैसे खत्म। और मैंने ये किया है 5 साल, मैंने 5 साल डायरेक्टली स्कूल में पढ़ाया भी है, और मुझे जीवन विद्या में सबसे पहले यही बात समझ में आई थी और मेरा रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहा। एक बार आप बच्चे का मान भय खत्म कर दीजिए, आप रिजल्ट देखिए बहुत जबरदस्त आएगा। तो मुझे लगता है अभी, क्योंकि समय, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी बात है, तो आज के लिए मैं सिर्फ सम्मान को थोड़ा क्लियर करना चाहता था आप लोगों के आगे, तो अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक। धन्यवाद राजेश भैया, बहुत मजा आया। ये भय के लिए, भय के बारे में जो चार भय, चार से पांचवा भय ही नहीं है लाइफ में, तो आज मेरा ध्यान गया कि भाई बच्चे हम यहाँ ट्रीट करने के लिए मान भय का यूज़ करते हैं बच्चों को उससे ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो तो दिन है ही नहीं है उनके पास, और जैसे बड़े हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये धन भी लग जाता है जैसे हम
होता है ना, जैसे डील करते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्कूल में हैं तो ट्रस्टी के रोल में, आप टीचर हो तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई देती है, वो पद भय धन भय वो सारी चीज़ें आ जाती है। मान भय तो रहता ही है, लेकिन मान भय सबसे बच्चे, छोटे बच्चे से लेके मान भय शुरू से होता है, तो सम्मान देना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है, पहले मेरे दिमाग में ऐसा था कि सम्मान, इंसान सम्मान चाहता है, सिर्फ चाहता नहीं है, वो देना भी चाहता है और लेना भी चाहता है, दोनों में वो खुश रहता है। ऐसा नहीं कि सम्मान मिले तभी हम खुश रहे, कोई सम्मान करेगा तभी खुश रहेंगे, ऐसा नहीं। किसी का सम्मान करके भी हम खुश होते हैं, देने में भी खुशी होती है। वो आज मेरा ध्यान गया नॉर्मली, तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मिलते हैं बाद में, भैया को बुलाते रहेंगे।